चार चार उस पे ये वो रखते हैं डंडों पे, ये मैंने कई जगह देखा है ऐसे पेड़। हेलो एवरीवन, तो ये जो आप क्लिप देख रहे हैं ये वर्मा जी जब जहाज़ से उतर रहे थे उसके बाद एयरपोर्ट जा रहे थे तब इन्होंने रिकॉर्ड करी थी रास्ते की। और वर्मा जी जो है वो बहुत जल्दी घर वापस आने वाले हैं, सो मैं बहुत खुश हूँ। आप लोग को भी आई होप ये सुनकर के अच्छा लगा होगा। मैंने कोई भी बीच में व्लॉगिंग नहीं करी थी क्योंकि अकेले थी ना, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ व्लॉग क्या ना करूँ, तो इसीलिए फिर मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं किया था। अब बस जब ये एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं तो फिर मैंने ये इन्होंने ही रिकॉर्ड किया था, और फिर मैं जब तक ये रिकॉर्डिंग आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ इसके बाद मैं जो मैंने किया वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इन्होंने ये चाइना का पूरा रिकॉर्ड किया था, सो मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यही टनल से ये जो निकल रहे हैं ना, तो बता रहे थे वर्मा जी कि पूरी टनल में एक तरफ से लाइट लगी हुई है एंड पता है कवरेज भी, मतलब नेटवर्क जो है वो बिल्कुल भी कट नहीं हुआ था। तो वर्मा जी वही बोल रहे थे कि चाइना में देखो क्या मतलब इतना अच्छा है कि आप टनल के अंदर भी हो फिर भी आपका नेटवर्क जो है वो बिल्कुल भी ब्रेक भी नहीं हो रहा है, कट भी नहीं रहा है, बहुत ही अच्छा नेटवर्क यहाँ पे आ रहा था। फिर उसके बाद यहाँ पे इनको ये फ़्लाइट में खाना मिला था, इन्होंने वो भी थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लिया था शिप पे मतलब फ़्लाइट में। तो ये जो फ़्लाइट थी ना ये कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, तो इनकी चाइना से सिंगापुर थी, सिंगापुर से फिर मुंबई थी, तो इस तरह से ये कनेक्टिंग फ़्लाइट से आए थे। थोड़ी बहुत रास्ते में इन्होंने एयरपोर्ट वगैरह का भी रिकॉर्ड कर लिया था। भाई ये देखो, ये है कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, चाइना का एयरपोर्ट है, कोई सिक्योरिटी नहीं। तो बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में, और पीहू स्कूल जा चुकी है, आज उसका सेकेंड डे स्कूल का था। ईरा अभी सो रही है, मैं आई हूँ यहाँ पे अपने लिए चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं अपनी अदरक वाली चाय बना रही हूँ, और बारिश के टाइम बहुत अच्छा लगता है अदरक वाली चाय पीने में, सो यही है। आप लोग बताइए आप लोग को कैसी लगती है अदरक वाली चाय। यहाँ पर देखिए बारिश हो रही है, देखा आपने कितनी जोर से बारिश हो रही है। तो जिस दिन वर्मा जी गए थे उस दिन भी बहुत तेज बारिश हो रही थी रात में, एंड आज फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है। मैं सुबह उठ गई थी 6:30 बजे, पीहू को स्कूल भेज दिया है, नहा धो के पीहू खाना तैयार हो गया है, खाने वाली आंटी आई थी, भगवान की पूजा कर ली है, एंड अब मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। और मेरे लिए यहाँ पर ये एक आंटी ने सैंडविच बना दी है, मैं ये चाय बना रही हूँ। खाने में आज बना है छोले चावल रोटी, क्योंकि वर्मा जी को छोले चावल पसंद है, तो मैंने उनकी भी पसंद का खाना बनवाया है। कई दिन के बाद वो घर का खाना खाएंगे, और पूरे 6 दिन हो गए हैं वर्मा जी को गए, तो बीच का मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि बस ऐसे ही टाइम काट रही थी जैसे तैसे से। तो थोड़ा अच्छा मोमेंट था, थोड़ा सैड मोमेंट था, पीहू भी बहुत सैड हुई थी बीच में, पर ठीक है अभी वो टाइम कट गया है, उसको हम याद नहीं करते हैं, चाय बनाते हैं। चाय तो मैंने पी ली है, और आप देख सकते हैं बारिश अभी भी बहुत तेज हो रही है, कंटिन्यू बारिश हो ही रही थी जब मैं चाय पी रही थी। एंड ईरा अभी सो रही है, पीहू स्कूल जा चुकी है, वो रोज़ आती है तो पूछती है डैडी आज आ जाएंगे, डैडी आज आ जाएंगे, तो मैंने उसको बोला आज डैडी आ जाएंगे जब आप स्कूल से आओगी, तो वो बहुत खुश हो गई। फिर बोली क्या डैडी ऑफिस नहीं जाएंगे, तो अभी देखते हैं आने के बाद वर्मा जी ऑफिस जाते हैं कि नहीं, क्योंकि पूरी रात ट्रैवल करने के बाद उनका क्या है वो देखना पड़ेगा।
उनको आना है, उनकी फ़्लाइट 11:30 बजे आ जाएगी। तो लेट्स सी, रात में 11 बजे वो चले थे तो वाया सिंगापुर थी उनकी फ़्लाइट। तो देखते हैं कितने बजे तक आते हैं, मिलवाती हूँ आप सबको। तो गाइज़ यहाँ पे 10:30 बज रहे हैं और बारिश यहाँ पे अभी भी हो रही है, थोड़ी थोड़ी हो रही है बट अभी हो रही है। एंड अभी जस्ट वर्मा जी का मैसेज आया है कि वो लैंड कर गए हैं, मैंने कपड़े वॉश किए हैं, उसको मैं फैला रही हूँ। तो आज हम लोग रिकॉर्ड करेंगे वर्मा जी का रिएक्शन कैसा होता है, मतलब 6-7 दिन के बाद हम लोग मिल रहे हैं। ईरा भी मिलेगी, पीहू शाम को मिलेगी, तो उनका क्या रिएक्ट होता है, कैसे रिएक्ट करते हैं वो आज हम कैमरा हिडन थोड़ा सा मैं सेट कर दूंगी और फिर गेट पे लगा करके देखते हैं कि वो क्या रिएक्ट करते हैं, कैसे मतलब आते हैं तो कैसे। आपने जाते टाइम तो देखा था वो चुपचाप चले गए थे, मेरे से मिले भी नहीं थे। मुझे वो बात बहुत फील हुई थी कि वो ज़्यादा टाइम मेरे से मिले नहीं, मतलब बात भी नहीं किया मेरे से और वो चले गए। खैर कोई बात नहीं, अभी आते हैं तो देखते हैं कि उनका क्या रिएक्शन होता है और क्या क्या करते हैं वो। वैसे बहुत दिन नहीं हुए हम लोगों को ना मिले हुए, एक ही हफ्ता हुआ है, बट फिर भी देखते हैं। तो बेल बजी है, पता नहीं कौन है, देखती हूँ। मैं फ़ोन भी सेट नहीं कर पाई। अच्छा भारती दीदी ने तो पीहू आ चुकी है, 4:15 बज गए हैं, आज उसको थोड़ा लेट हो गया। पीहू के डैडी जो हैं वो सो रहे हैं, चलती हूँ पीहू को लेने जाती हूँ जल्दी से फटाफट। ईरा भी सो रही है, लेके आती हूँ, देखती हूँ आज पीहू का क्या रिएक्शन होता है डैडी को देख के। बाय बाय, खुश खुश हो गई? क्यों हुई खुश? अरे मैं सब देख लेती हूँ पीहू को, कहाँ से देखा? ऊपर से। आओ कैसा था आज आपका डे? अच्छा था। क्या मिला खाने को? खांसी भी आ गई क्या? ब्रेकफास्ट में मिला था चिल्ला चिल्ला और लंच में मिला था चाइनीज चाइनीज। मैंने खाई नूडल्स और बनाना ठंडा था इसलिए वो मैंने नहीं लिया। अच्छा खाया ही नहीं? नहीं। अच्छा हाँ चलो चलो उठ गई वो। मिल गए? देखो तुम्हारी बहन रो रही है, नहीं देखोगी? नहीं। तो यहाँ पे बस पीहू अंदर जा ही रही है और अब वो देखिएगा डैडी को देख करके फिर हक कर लेगी फटाफट से। और ईरा यहाँ पे उठ गई थी तो वो रोने लगी थी और यहाँ पे देखो डैडी और बेटी का प्यार हो रहा है। देखो जरा, देखो देखो जरा, देखो जरा, वाह पीहू वाह, कब से पूछ रही है डैडी कब आएंगे, डैडी कब आएंगे। क्यों पीहू खुश? पहले तो हैप्पी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज पीहू की फ्रेंड का बर्थडे है काव्या का। हाँ पीहू, तो पीहू जा रही है अपनी फ्रेंड के बर्थडे पे। इधर ईरा भी तैयार है, बच्चों की पार्टी है जंबल टंबल, यहाँ पे एक फन जोन करके है जहाँ पे बच्चों का मतलब वहीं पे उसका बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है।
एक्चुअली बर्थडे उसका परसों था बट सेलिब्रेट आज कर रहे हैं। तो पीयू भी तैयार हो गई है, हम लोग निकल रहे हैं। अभी तो यहाँ बहुत ट्रैफिक है, ये देखिए पूरा बारिश के टाइम पे ट्रैफिक ट्रैफिक ही होता है। सो लगेगा 15-20 मिनट। तो हेलो, जाओ। हेलो, हाँ तुम भी जाओ। हाँ देख के आओ गर्ल। तो ले लूं। तो यहाँ पे बच्चे लोग खेल रहे थे तो मैंने सोचा जाने से पहले थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। बच्चों की पार्टी थी तो हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। मैं बस पीहू को छोड़ने आई थी तो यहाँ पे पीहू और काव्या जो है वो प्ले करने लगी थी और ईरा भी यहाँ पे लग गई थी अंकल के साथ प्ले करने में। मतलब वो फटाफट से गोदी में चली गई थी और खेल रही थी। तो यहाँ पे 2-4 स्लाइड्स वगैरह जो भी पीहू ने किया मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था। उसके बाद हम हस्बैंड वाइफ निकल गए थे अपना ऐसे ही थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए। जब तक पीहू यहाँ रहेगी हम लोग पास में ही एक मॉल है वहाँ चले जाएंगे। हाँ बैठो पहले, अच्छे रुको। हाँ चलो अभी आओ। ईरा आओ, ईरा खड़ी हो बेटा, नौ में नहीं खड़े होना है। ओके गाइस, तो पीहू को हम लोग छोड़ आए हैं और ईरा यहाँ पे सो गई है, वो स्लीपी थी ही और अभी वो थोड़ी देर वहाँ पे खेलेगी 1-2 घंटे। तब तक हम लोग अपना कुछ कुछ जो थोड़ा बहुत काम है वो कर लेंगे और फिर उसको पिक करके घर जाएंगे। बहुत जोरों की बारिश आ गई है, हम लोग आ गए हैं इधर मॉल में और अभी मॉल ही चलते हैं, थोड़ी देर टाइम पास करेंगे उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। ईरा भी उठ गई है, बहुत तेज़ बारिश है, उनका कॉल आ गया है। तो बस हम लोग यहाँ पे ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे तो मैंने सोचा चलो एक सॉफ्टी ले लेते हैं ऐसे ही टाइम पास करने के लिए। तो ईरा को मैं ऐसे दिखा रही थी कि लो खा के देखो। जब घर पे थे ना तो उसके मामा ला के देते थे, वो बहुत मस्त एकदम खाती थी। तो बट लेकिन आज वो नहीं खा रही थी, बाद में उसके डैडी ने खिलाया तो वो थोड़ा सा उसने खा लिया था। और बस ऐसे ही हम लोग थोड़ा बहुत घूमे थोड़ा सा फिर। तो वर्मा जी फिर से आ गए हैं परफ्यूम की शॉप पे, वो घूम फिर के परफ्यूम की शॉप पे आ ही जाते हैं। तो यहाँ पे वर्मा जी कुछ परफ्यूम वगैरह देख रहे थे तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था। उसके बाद हम लोग चले गए थे फ्रेश में, मतलब कि ग्रॉसरी शॉप में, और वहाँ से फिर कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी सी खरीद ली थी। हम आ गए थे ग्रॉसरी शॉप पे फ्रेश में, जहाँ से हमने अगरबत्ती धूप बत्ती और एक स्ट्रेन निकालने वाला स्ट्रेनर लिया है यहाँ से। और अभी पीहू के डैडी मिस्टर वर्मा बाहर नहीं आ पाए हैं, ना टाइम लगता है आने में। तो बस अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, थोड़ी देर टाइम पास किया हम लोगों ने। कहाँ जा रही है चिंटू, गाड़ी चला रही है? तो ये बर्थडे की कुछ क्लिप्स जो हैं वो मेरी फ्रेंड ने भेजी थी तो मैंने सोचा चलो उसमें ही ऐड कर देती हूँ, आप लोगों को भी देखने को मिलेगा। और बस फिर इसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। चलिए अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, बाय बाय। आ गई, कैसा लगा? लिपस्टिक छूट गई। ओके।